हस्बैंड को एक फूल लाना है, वाइफ को देना है वंस इन अ वीक और वंस इन 10 डेज. हस्बैंड्स किधर है? You have to give one flower to your wife. It's called relationship master. I'm not joking. वास्तु में एक हस्बैंड गजरा लाता था वाइफ को. आजकल गजरा का जमाना गया है. प्लीज गेट. और वो फ्लावर्स आपको एक रिलेशनशिप कॉर्नर में रखना है, एक टेबल बनाना है बेडरूम में या कहीं भी घर में. वो टेबल के ऊपर यू नीड टू हैव योर मैरिज पिक्चर. आप मुझे बता सकते हैं मैरिज पिक्चर क्यों? किसी को याद है? वो एक ही बार था जब आप खुश थे शादी में. तो मैरिज पिक्चर, हस्बैंड ब्रिंग्स टू फ्लावर्स. वॉचमैन भी हंस रहा है, बोल रहे हैं टू फ्लावर्स. एक्चुअली बहुत जना बोलते हैं चलो फूल वाला को बोल दूंगा लाने. तो फिर वो ब्लेसिंग्स भी किसको जाएगी? हाँ, तो यू हैव टू गो जिस भाव से आप जाएंगे. और वो कॉर्नर में फोटो बनाना एक, और जिस जिसने रिलेशनशिप कॉर्नर बताया है क्लिक करके ग्रुप में डालना, दूसरे मोटिवेट हो जाएंगे. और कोई भी चीज पैर, टू बर्ड्स, टू फ्लावर्स, जो चीजें पैर में हो. ओके. और फूल का मतलब फूल गोभी नहीं, फ्लावर. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और ये एक रिलेशनशिप क्योर है. रिलेशनशिप क्योर क्या होता है? इट विल एक्चुअली इम्प्रूव योर रिलेशंस. ट्रस्ट मी, इट्स वेरी 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 पावरफुल, एक्सट्रीमली पावरफुल इन रिलेशनशिप्स. नाउ एनी क्वेश्चंस? एनीबडी? आई वांट टू आस्क यू, यस, के जो रॉन्ग आदमी आपकी लाइफ में हो उसको निकाल दो. यस. कांट यू इंप्रूव दैट पर्सन? नो. निकालो. आई विल एक्सप्लेन टू हिम. सपोज इट्स योर मदर इन लॉ इन द हाउस और समवन यू कांट रिमूव. You know who has to change? Only one person. Who has to change? If you change, everything around you will change. You can never change someone else. You can only change yourself. You can give advice, but if the person is teda, he's not listened for 10 years, he's not going to listen to your gyan. So you have to change whom? Yourself for that thing. Now salt, before I end, it's a last thing before I stop, I want to teach you, and that is salt. And believe me, whether Dubai, wherever I am teaching, place salt in the four corners of your home. Akha namak, khara namak, achar ka namak. Okay? Have a salt water bath. Salt water ke pooche. It's the cheapest and the best cure. It is so powerful, so powerful. जब मैं फैक्ट्रीज करती हूँ, लोगों की फैक्ट्री बंद हो रही है, तो मैं 100 किलो सॉल्ट एक बड़े बिन में पानी के साथ डालती हूँ. इट्स सो पावरफुल, सो पावरफुल. सॉल्ट रिमूव नेगेटिविटी फ्रॉम टाइम्स इमेमोरियल. एक बच्चे को भी हम नमक करके, अखा नमक, खरा नमक, अचार का नमक. और वो नमक में आपको अपना भाव डालना है. मेरे घर में मैं बेटे के नीचे चार कोने में सॉल्ट रखती हूँ. ऑल माई बेड्स इन माई हाउस, एनी टाइम यू कम. और मेरी मदर इन लॉ, जिन जो आप जानते थे थोड़े लोग, शी इज अ वेरी लवली लेडी. जब वो बीमार होती थी, शी इज पास्ट अवे नाउ, बट जब वो बीमार होती थी, उसको वास्तु में ये नहीं था कुछ, लेकिन जब वो बीमार होती थी, बाई को चिल्लाती थी, देखो जिनोबिया सब कुछ सॉल्ट बोलती है, मेरा सॉल्ट बदली नहीं किया. सो मच पावर इन सॉल्ट. So now, thank you very much. Salt, 1 minute. May I ask 2 questions? Answer. How frequently should you change the salt? Once every 10 days, 8 days. Change the salt. और मेरा एक video है, मैं link आपको भेज दूंगी group में, on cinnamon, जिसको 1 lakh views. Cinnamon जो दालचीनी powder होता है, सिर्फ वो छिड़काने से negative energy निकल जाती है. आप अपने purse में रखो. वो वीडियो देखना. ओके, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू सो मच. एंड दिशा इज गोइंग टू मेक यू डांस.